किसान आंदोलन पर अंबाला डीएसपी का तगड़ा एक्शन। अराजकता फैलाने वालों की अब तोड़ी जाएगी कमर। जिसने मचाया बवाल, रद्द होगा वीजा और पासपोर्ट। कौन है अंबाला डीएसपी जिनका धोनी से है कनेक्शन? किसान आंदोलन की आड़ में किस तरह से सरेआम बवाल मचाया जाता रहा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण साल 2021 में हुआ किसान आंदोलन है। जब पूरा देश 26 जनवरी के दिन जहां गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन की आड़ में लाल किला परिसर में कहीं सरेआम हथियार लहराए जा रहे थे, तो कहीं लाल किले पर धार्मिक झंडे फहराए जा रहे थे। सड़क के घेराव से शुरू हुआ यह आंदोलन लाल किले में बवाल मचाने तक पहुँच गया था। यही वजह है कि इस बार सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। तभी तो हरियाणा की खट्टर सरकार पंजाब से दिल्ली कूच कर रहे किसानों की आड़ में अराजकता फैलाने वाले बवालियों का अच्छी तरह से इलाज करने में जुट गई है। अब जो भी किसान जोश जोश में पुलिस बैरिकेड्स तोड़ते नजर आएंगे या किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए कैमरे में कैद होंगे, सरकार सीधे उनका वीजा पासपोर्ट ही रद्द कर देगी। के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि पंजाब से हरियाणा की तरफ आने वाले किसान आंदोलन में जो भी उपद्रवी हैं, जो भी इस आंदोलन में हरियाणा की तरफ बढ़कर बैरिकेड तोड़ना या और किसी तरीके का उपद्रव मचाना, ऐसे लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हमारे सीसीटीवी कैमरों से और हमारे ड्रोन के कैमरों से, और जो हमने वीडियो बनाई है उससे भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके उन लोगों के खिलाफ हम लोग हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पासपोर्ट ऑफिस और एम्बेसी में हम लोग उनके वीज़ा और पासपोर्ट जो है उनको रद्द करने के लिए हमने अभी हम जो आदेश है वो हम पारित करने वाले हैं। सर, और क्या कुछ कार्रवाई जो है इसमें की जा रही है, किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कुछ फोटोग्राफ्स जारी भी की थी? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफ्स हम लोगों ने ली हैं जिसमें जो ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से उपद्रव मचा रहे हैं, उन लोगों के हम फोटोज़ और उनके उनका पूरा एड्रेस नाम वगैरह हम लोग पता करके पासपोर्ट ऑफिस और एम्बेसी में उनके खिलाफ उनका वीज़ा हो या पासपोर्ट हो उसको रद्द करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। हरियाणा पुलिस में डीएसपी की कमान संभाल रहे जोगिंदर शर्मा के इस एक्शन के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जोर शोर से चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि बवाल मचाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने वाले डीएसपी जोगिंदर शर्मा कोई और नहीं, देश को वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा है, जिन पर कभी कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी ने भरोसा जताते हुए गेंद थमाई थी। और इस गेंद के दम पर जोगिंदर शर्मा ने पाकिस्तान को चारों खाने चित करके भारत को वर्ल्ड कप जिताया था। बवाल मचाने वाले कथित किसानों की कमर तोड़ने वाले तेज तर्रार डीएसपी जोगिंदर शर्मा के बारे में जानने के लिए आपको 17 साल पीछे चलना पड़ेगा, जब साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच 24 सितंबर 2007 को टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हो रहा था। कप्तान धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर महज 157 रन ही बना सकी। शाहिद अफरीदी, यूनिस खान, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज जैसे धाकड़ बल्लेबाजों से सजी पाकिस्तान टीम के लिए कोई बड़ा स्कोर नहीं था। 43 रन की पारी खेलने वाले मिसबा उल हक पुछल्लों के साथ मिलकर लक्ष्य के काफी करीब पहुंच गए थे और आखिरी यानी 20वें ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए महज 13 रन की दरकार थी। ऐसे में तत्कालीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इरफान पठान, श्री संत, आरपी सिंह जैसे तेज गेंदबाजों के बजाय जोगिंदर शर्मा पर भरोसा जताया और आखिरी ओवर में उन्हें गेंद थमा दी। उस वक्त धोनी के फैसले की खूब आलोचना हुई थी, लेकिन जब जोगिंदर शर्मा ने गेंद थामी तो पाकिस्तानी मिसबा उल हक का विकेट ही उखाड़ फेंका और इस तरह से भारत ने जहां 5 रन से वर्ल्ड कप का ऐतिहासिक मुकाबला जीत लिया, तो वहीं जोगिंदर शर्मा इस मैच के बाद हीरो बनकर उभरे। तो वहीं तत्कालीन हरियाणा सरकार ने उन्हें 21 लाख रुपए इनाम के साथ साथ हरियाणा पुलिस में डीएसपी की नौकरी भी दी थी। 3 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास के बाद जोगिंदर शर्मा अम्बाला के डीएसपी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रमोशन के लिए कोर्ट में लड़ रहे लड़ाई। दरअसल साल 2007 में हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने जोगिंदर शर्मा को हरियाणा पुलिस में डीएसपी बनाया था और जब ये खबर आई कि हरियाणा की बीजेपी सरकार 2021 की चयन सूची के लिए आईपीएस पद पर प्रमोशन के लिए राज्य पुलिस सेवा के 12 अधिकारियों के नामों पर विचार कर रही है और इस सूची में शामिल ज्यादातर डीएसपी 2009 में राज्य पुलिस में शामिल हुए थे, जबकि साल 2007 में डीएसपी बने जोगिंदर शर्मा का इसमें नाम नहीं है। इस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी याचिका लेकर पहुंचे डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने कहा था
लिस्ट में शामिल ज्यादातर डीएसपी 2009 में राज्य पुलिस में शामिल हुए थे, जबकि मैं 5 अक्टूबर 2007 को सेवा में शामिल हुआ था। नियमों के मुताबिक सभी 11 डीएसपी से पहले मैंने प्रोबेशन पूरी की थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे प्रमोशन को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। जोगिंदर शर्मा की इस याचिका पर फिलहाल हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और अब फिलहाल जोगिंदर शर्मा को डीएसपी से आईपीएस के पद पर प्रमोशन मिल जाएगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन डीएसपी के पद पर रहते हुए जिस तरह से उन्होंने किसान आंदोलन के बहाने बवाल मचाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू किया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।